गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बेइंतहा भ्रष्टाचार किया, उनके मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया। ये सभा में किसी ने 50 करोड़ एक साथ देखा है क्या? देखा है भाई? 50 करोड़ रुपया ममता दीदी, ये किसका है? किसका है पैसा? राणा घाट वालों, राणा घाट के गरीब युवाओं का ये पैसा है, गरीब युवाओं का पैसा। ये कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए हैं। मैं आज बताने आया हूं भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन जिनों ने भ्रष्टाचार किया है, सारे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पर। राशन वितरण में घोटाला किया, नगरपालिका की भर्ती में घोटाला किया, शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किया, सिविल सेवा की भर्ती में घोटाला किया, गाय तस्करी में घोटाला किया, कोयला तस्करी में घोटाला किया। ममता बनर्जी, आपकी सरकार समग्र देश में भ्रष्टाचार पर नंबर वन सरकार है, नंबर वन सरकार। भाइयों बहनों, ये बम धमाके जो होते हैं, ये सभी को डराने के लिए कर रही है ममता, मगर मैं आज बताकर जाता हूं राणा घाट वालों, चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्स लगाया है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ममता के गुंडों की हिम्मत नहीं है कि आपको वोट डालने से रोक पाए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं कश्मीर और बंगाल के युवाओं का क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, मेरा राणा घाट का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने। भाइयों बहनों, आज मैं कहता हूं मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।